हाय क्यूटी पाइज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा एक टॉपिक है द नाउन नंबर। व्हाट इज नाउन नंबर? देयर आर टू नंबर्स इन नाउन नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउन नंबर में दो नाउन नंबर्स होते हैं, जो होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। व्हाट इज सिंगुलर? सिंगुलर क्या है? सिंगुलर When we speak about a person and one thing, जब हम किसी एक person या किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो होता है singular। We use the noun in singular form। फिर हम noun को singular form में use करते हैं। तो singular means one। Singular का मतलब होता है एक। Examples जैसे कि boy, pen, cake, flower, face, man। इसी तरह से What is plural? When we speak about more than one person and one thing, जब हम किसी एक से ज़्यादा आदमी के लोगों के बारे में बात करते हैं या किसी एक से ज़्यादा की चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है? प्लूरल। We use the noun in plural form। फिर हम noun को plural form में use करते हैं। So, plural means many। तो plural का मतलब होता है एक से ज़्यादा, कई सारे। एग्जाम्पल्स चलिए देखते हैं, जैसे कि बॉयज, पेंस, केक्स, फ्लावर्स, फेसेस एंड मैन। ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म हो गया। अब होती हैं एक्सरसाइज। देखिए, इतना अभी तक हम समझ गए। अब हम करेंगे राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे कि यहाँ देखा है, शीप दे रखा है, सैंडविच, स्टोरी, कैफे, डियर, राइनो, टोर्नेडो, लाउस, बाइसन, माउस। तो ये हमारे क्या है? सिंगुलर फॉर्म है, जिसे हमें प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे? शीप का क्या हो जाएगा? हमारा शीप, ये प्लूरल फॉर्म में ऐसे ही रहता है। सैंडविच का क्या हो जाएगा? सैंडविचेस। इसी तरह से स्टोरी का हो जाएगा स्टोरीज। कैफे का हो जाएगा कैफेज। डियर का डियर ही रहता है। राइनो का हो जाएगा राइनोस। इसी तरह टॉर्नेडो को हो जाएगा टॉर्नेडोज। लाउस का हो जाएगा लाइस। बाइसन का बाइसन ही रहेगा। मैंने ऐसे एग्जांपल लिए हैं जिनके सेम ही लिखेंगे, वो प्लूरल फॉर्म में होंगे। ठीक है, माउस का हो जाएगा माइस। अब आप बच्चे सोच रहे होंगे, जैसे माउस का माइस लिखा है, कहीं पेस लिखा है, कहीं ईएस लिखा है। जो फॉर्म्स ऑफ प्लूरल फॉर्म्स होती हैं वो आप बहुत सारी हैं। एक्चुअली मैंने इसको एक एक्सरसाइज में थोड़ी सी ली है जो मिलती जुलती हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, मैं वो सारी प्लूरल फॉर्म्स को आपको वीडियो में बताऊंगी। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। मैंने एक छोटी एक्सरसाइज करी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इस तरह से भी आपको ऐसे भी दे सकते हैं और इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके एक्सरसाइज या स्कूल में, क्लास में, ठीक है, और एग्ज़ाम में भी। जैसे यूज़ द सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ द नाउन्स गिवन इन कलर। देखिए यहाँ पे ये जो कलर में दिए हैं, ये क्या है? प्लूरल फॉर्म में। इन्हें हमें क्या करना? चेंज करना है सिंगुलर फॉर्म में। फिर क्या करना? मेक अदर ग्रामेटिकल चेंजेस इफ़ नेसेसरी। अगर इसमें कोई ग्रामेटिकल चेंजेस आएंगे, इज एम आर, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो भी हमें चेंज करनी होगी अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, अब यहाँ पे एक नंबर वन है, दीज राइटर्स हैव रिटन मैनी बुक्स। तो राइटर्स और बुक्स तो हमें प्लूरल मिल गए, ठीक है, लेकिन अगर इसको हम चेंज करेंगे, राइटर्स का क्या होगा? राइटर हो जाएगा। तो दीज राइटर होगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे दीज तो ज़्यादा लोगों के लिए होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा चेंज? दिस, पहले तो ये चेंज होगा, तो दिस राइटर। ठीक है, अब एक की बात हो रही, एक के हैव नहीं होता है। हैव की जगह क्या यहाँ पे चेंज होगा? जो ग्रामेटिकल चेंज होगा, हैज। दिस राइटर हैज रिटन
देखिए बुक्स थी तो मैंने बुक्स हो गया। अब क्या होगा कि मैंने बुक्स की जगह क्या हो जाएगा, अगर यहाँ बुक होगा तो मैंने बुक होगा नहीं होगा, तो आ मैंने की जगह आ, एक की बात हो रही है सिंगुलर में तो अ बुक, यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में चेंज करना है तो हर चीज़ सिंगल होगी, जाने की एक एक, एक फॉर्म में तो दिस की जगह दिस। देखिए ध्यान से चेंज करेंगे, सिर्फ हमें ये दोनों चेंज नहीं करने, ग्रामेटिकल चेंजेस भी करने। राइटर्स के राइटर, हैव की जगह हैज, रिटर्न की जगह रिटर्न, वो तो सही है, मैंने की जगह आ, बुक्स की जगह बुक, तो दिस राइटर हैज़ रिटन अ बुक। अब ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, अब हम यहाँ पे लगा देंगे फुल स्टॉप। आई होप आपको समझ में आएगा। अब देखिए मेंस लाइफ्स आर शॉर्ट, जो मेंस की होती है लाइफ बहुत शॉर्ट होती है ऐसा माना जाता है। अब मेंस को हम मेंस लिख देंगे, ठीक है, हम किसी एक की बात करें, लाइफ्स की जगह लाइफ हो जाएगा और आर एक से ज़्यादा लोगों के लिए होता, आर की जगह क्या हो जाएगा इज, और शॉर्ट की जगह शॉर्ट ही रहेगा। अब इस बात को देखिए समझ लेते हैं। देखिए मेंस को हमने चेंज करा मेंस में, लाइफ्स को लाइफ में, आर हमने चेंज करा इज में, क्योंकि ये मेंस लाइफ आर शॉर्ट नहीं होगी, यहाँ पे एक इंसान की बात हो रही तो मेंस लाइफ इज शॉर्ट, तो ये हो गया करेक्ट फॉर्म ऑफ ग्रामर। अब देखिए एक और है, द स्टूडेंट्स आर वेट राइटिंग इन देयर नोटबुक्स। अब द स्टूडेंट्स, हाँ द तो लिख सकते हैं, द स्टूडेंट्स की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब देखिए आर की जगह क्या हो जाएगा इज, राइट राइटिंग की जगह राइटिंग, इन की जगह इन, नोटबुक्स की जगह नोटबुक हो जाएगी इन देयर, देयर मतलब उनकी नोटबुक्स में, तो एक की बात हो इन देयर की जगह हो जाएगा हिज, देयर की जगह हिज और नोटबुक्स की जगह नोटबुक, ये चेंजेस करेंगे, सिर्फ इनको ही नहीं चेंज करना। द स्टूडेंट इज राइटिंग इन हिज नोटबुक, स्टूडेंट के साथ हिज हो गया, स्टूडेंट्स के साथ देयर हो गया, बहुत ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है स्टूडेंट्स की तो देयर हो गया, ठीक है, तो ये भी चेंज करना रहेगा। द चिल्ड्रेन हैव बलून्स एंड टॉयज, देखिए चिल्ड्रेन है तो चिल्ड्रेन की जगह चाइल्ड हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे द चाइल्ड, हैव चाइल्ड की जगह हैव की, हैव ज्यादा बच्चों के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा हैज, हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करना, द चाइल्ड हैज बलून्स एंड टॉयज, तो बलून ज्यादा हो गए, सिंगुलर करना होगा तो अ बलून, एंड टॉय की जगह क्या हो जाएगा अ टॉय, देखिए हमें सिंगुलर में चेंज करना था, द चिल्ड्रन की जगह चाइल्ड, हैव इज हैज, बलून्स की जगह अ बलून एंड टॉयज की जगह अ टॉय, द चाइल्ड हैज अ बलून एंड अ टॉय। देखिए बहुत ही सिंपल था, थोड़ा सी समझने वाली चीज़ें हैं कि हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करने, जैसे इज आर की जगह इज, इसके जगह आर, हैव हैज, देखिए मैंने वैसे ही चेंज हैव एंड हैज, आर इज आर इज हैव, ठीक है, यही चेंजेस करने हैं। और जो सिंगुलर के प्लूरल की जगह सिंगुलर पूछा जाए तो इसी तरह आप चेंजेस करके अपने ग्रामर को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। और मैं इसके दूसरी वीडियो बनाऊँगी, प्लीज़ वो ज़रूर देखें, फॉर्म ऑफ प्लूरल्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।